बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: पहला जन्म, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा मृत्यु, चौथा घर से प्रस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है चौथा, यानी कि जब वे घर से प्रस्थान किए उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जी हाँ, यशोधरा से विवाह के बाद बुद्ध सांसारिक मामलों से खुश बिल्कुल भी नहीं थे, और इसलिए उन्हें चार मुख्य रूप से वे अवस्थाएं जो दुख देती हैं, जैसे एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक तपस्वी को देखने के बाद। सत्य की खोज में वे अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ सभी सांसारिक मामलों को 29 वर्ष की आयु में त्याग दिए, और 7 वर्षों तक लगातार भटकने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोधगया में स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था। जी हाँ, जो वाराणसी में स्थित सारनाथ में एक स्थान है, और इस विशेष घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाने लगा। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर नामक स्थान पर अंतिम सांस ली, और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। इसलिए उनके घर से प्रस्थान की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।